एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम दीपशिका है एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ अमेजोन हॉल शेयर करने वाली हूँ। अमेजोन से मैंने कुछ कुर्ता सेट, कुर्ता एंड स्कर्ट परचेज़ किया था क्योंकि अभी वेडिंग सीजन आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मैंने ये सब परचेज़ किया, तो इनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इन सब में, इस ड्रेस में से आपको कुछ भी पसंद आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा माय हॉल स्टोर नाम से, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इमेजेस विद प्राइस मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से अगर आपको कुछ भी परचेज़ करना है तो आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके अमेजोन पर जा सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यूज़फुल लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साइड में जो बेल आइकन उसे हिट कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के हमारा अमेजोन हॉल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्रेस है वो एक लॉन्ग स्कर्ट है, स्टूडियो श्रृंगार ब्रांड की स्कर्ट है। इसमें मैंने अपना साइज फ्री साइज़ ऑर्डर किया था एंड नेवी ब्लू कलर की स्कर्ट है ये। इसमें और कलर ऑप्शंस भी अवेलेबल है, तो मैंने इसे आप वीडियो में साइड में देख सकते हैं पिंक कलर के ब्लाउज के साथ पेयर अप किया। मैंने इसी ब्लाउज के साथ इसे पेयर अप किया मिक्स एंड मैच करके। साइड में जिप मिल जाती है, ये एडजस्ट करने के लिए आपको साइड में जिप भी दी हुई है, तो इसे आप आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड ये इस टाइप से इसी फैब्रिक की डोरी भी दी हुई है जिसे आप अच्छे से एडजस्ट करके पहन सकती हैं। काफ़ी अच्छे घेर वाली स्कर्ट है ये, लॉन्ग स्कर्ट, बहुत अच्छा इसका घेर आता है। एंड नीचे साइड में काफ़ी इसमें इस टाइप से गोल्डन कलर की लेस दी हुई है पूरे स्कर्ट में। इसका फैब्रिक सॉफ्ट पॉलिएस्टर शाइनिंग वाला जो मटेरियल होता है वो वाला फैब्रिक है, तो आपको भी वीडियो में भी दिख रहा होगा कि ये स्कर्ट शाइनिंग करती है। मैंने दुपट्टे के साथ इसे नहीं पहना क्योंकि मेरे पास दुपट्टा नहीं था, तो आप चाहे तो पिंक कलर का दुपट्टा पहन सकते हैं, आप कोई और स्कर्ट के साथ अलग कॉम्बिनेशन का दुपट्टा भी लेके इसे कैरी कर सकते हैं। नीचे से इसमें लाइनिंग दी हुई है क्रीप मटेरियल की, इसमें ये लाइनिंग अस्तर मिल जाता है जो काफ़ी कंफर्टेबल है एंड चलने पे ये अटकता भी नहीं है बिल्कुल भी। इसे मैंने पेयर अप करने के लिए ये वाला ब्लाउज लिया था, ये भी स्टूडियो श्रृंगार ब्रांड का ही है। इसमें मैंने अपना साइज 38 लिया था, ये भी अप्रॉक्स 600 कुछ समथिंग का था। इसमें भी और डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो आप ज़रूर स्टूडियो श्रृंगार ब्रांड के स्कर्ट एंड ब्लाउज ट्राई कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टी यूज़ ब्लाउज है। साड़ी के साथ भी ये मैच हो जाता है एंड स्कर्ट के साथ भी इसे मैच करके पहन सकते हैं। इस टाइप का मिक्स एंड मैच ड्रेस आप किसी भी वेडिंग में, फंक्शन में पहन सकते हैं, रिसेप्शन में, तो ये काफ़ी अच्छा लगता है मोजरीज के साथ एंड अच्छी ज्वेलरीज के साथ, तो ये जो ड्रेस है काफ़ी अच्छा लगता है। सेट है वेडिंग वो एक कुर्ता विद धोती सेट है, कलर का कुर्ता मैंने ऑर्डर किया था, प्रिंटेड फॉइल प्रिंटेड कुर्ता है ये पूरा, रॉक स्टाइल का कुर्ता मिल जाता है इस टाइप से। इसका ब्रांड है ऑरेंटेज एंड इसमें मैंने अपना साइज एक्सेल ऑर्डर किया है। सामने से इस टाइप से राउंड नेक आता है जिसमें गोटा पट्टी वाली लेस लगी है एंड पूरा थ्री फोर्थ स्लीव्स आ जाती है, इसमें भी लेस लगी हुई है। रेयॉन मटेरियल का ड्रेस है ये, 700 के अप्रॉक्स मैंने इसे परचेज़ किया। इसे भी आप किसी स्मॉल वेडिंग फंक्शंस में पहन सकते हैं, मेहंदी संगीत में भी। एंड साइड में डोरी मिल जाती है दोनों साइड, तो आप इसे अपने कमर के अकॉर्डिंग से टाई अप भी कर सकते हैं। एंड पूरी इस टाइप से ये शॉर्ट कुर्ता मिल जाता है, फ्रॉक वाला कुर्ता है ये। एंड बैक साइड में भी इसी टाइप से पूरा फॉइल प्रिंटेड दिया हुआ है। नीचे इसके साथ पेयर अप करने के लिए ये प्लेन धोती मिल जाती है, प्लास्टिक वाला बैंड मिल जाता है लगा हुआ। वाइन इसमें एक कलर ऑप्शन और अवेलेबल है, तो अलग ड्रेस भी ट्राई कर सकते हैं। धोती विद कुर्ता बहुत अच्छा लगता है, ये भी काफ़ी अच्छी है, अच्छे लुक देती है ये पहनने के बाद भी। ये धोती का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा लुक देता है पहनने के बाद, तो इसे भी आप किसी स्मॉल फंक्शन में तो इसे कैरी कर ही सकते हैं। जो नेक्स्ट ड्रेस है वो एक कुर्ता है, इस टाइप से ब्लू कलर का ये कुर्ता मिल जाता है एंड अंगरखा स्टाइल का कुर्ता है इसका। इसमें मैंने अपना साइज़ लार्ज ऑर्डर किया है, 500 रुपीज़ में मैंने इसे परचेज़ किया। इसका मटेरियल रेयॉन है एंड ये एक ए लाइन कुर्ता है, इस टाइप से पूरा नीचे तक इसमें घेरा आता है एंड ज़्यादा घेर वाला नहीं है। साइड में वीडियो देख सकते हैं, एंकल लेंथ तक का कुर्ता है, काफ़ी अच्छा, बहुत सॉफ्ट मटेरियल एंड अट्रैक्टिव कुर्ता है ये, मुझे बहुत पसंद आया है। सामने से इस टाइप से वी नेक मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है एंड 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है कलर कॉम्बिनेशन। मैक्सी ड्रेस जैसा भी पहन सकते हैं, इसे जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं, काफ़ी प्रिटी लुक देता है, बहुत अच्छा कुर्ता है ये। इसे मैंने प्लाजो के साथ कैरी किया है या पैंट के साथ भी आप इसे कैरी कर सकते हैं, बट ये थोड़ा सा शियर है तो इसके नीचे कुछ ना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा एंड बहुत अच्छा कुर्ता है, इसे तो आप ज़रूर परचेज़ कर लीजिएगा। एंड शायद ये अभी आउट ऑफ स्टॉक है, बट जब भी आप इसे विश लिस्ट में डाल के रखिए, जब भी स्टॉक में आए तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वालिटी का कुर्ता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। इनमें से कुछ ड्रेस अगर आपको पसंद आई और परचेज़ करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा माय हॉल स्टोर नाम से, तो आप उस पर जाके इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।